हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुडसेट रिवीजन सीरीज के चैप्टर 2 के रिवीजन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले दो वीडियोस में चैप्टर 1 का रिवीजन किया, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ध्यान से एक बार देखो। और सेकंड वीडियो के एंड में मैंने एक प्रैक्टिस शीट भी दी है, तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार चैप्टर 2 के रिवीजन में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में से और पहले चैप्टर में से करीब करीब दो या तीन क्वेश्चंस ऐसे गुड सेट में हर बार ऐसे आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन, बाद में हम देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, और फिर पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट चार्ज, उसके बाद में पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये है कि देखो कोई भी चार्ज है क्यू, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में ऐसा देखा कि ये चार्ज क्यू दूसरे चार्ज को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसको पास में लाने के लिए, कहां लाने के लिए, पास में लाने के लिए, या तो इस क्यू को आप 1 कूलम्ब ले लो, पास में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क रिक्वायर्ड टू डू, ओके, वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, ओके, टू ब्रिंग दिस 1 कूलम्ब चार्ज, ओके, एट एनी गिवन पॉइंट एट डिस्टेंस आर, जितना हमें वर्क करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अभी यहाँ पर डिस्टेंस इतना आर है, ठीक है। अभी मैं एक डिस्टेंस और ले लेता हूँ, आर डैश ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 कूलम्ब चार्ज लाया, और एक डिस्टेंस और ले लेता हूँ, आर डबल डैश, यहाँ पर मैं 1 कूलम्ब चार्ज लाया। सो व्हाट यू थिंक दैट वेयर द वर्क डन विल बी मोस्ट और हाइएस्ट, हियर Yes, and then after here, and then after here. So, ना रहे, क्या मतलब है कि यहाँ पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि देखो जितना हम पास में आ रहे हैं उतना अपोज ज्यादा लगेगा, तो उतना वर्क हमें ज्यादा करना पड़ेगा, जितना वर्क ज्यादा करना पड़ेगा उतना ही पोटेंशियल ज्यादा होगा। आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा होगा कि जितना आप वर्क करते हो उतनी उसमें एनर्जी आती है, ठीक है। एक्चुअली ये एनर्जी ही है, लेकिन स्पेशल केस ऑफ द एनर्जी है 1 कूलम्ब की, ठीक है। ये 1 कूलम्ब की एनर्जी है, ऐसा हमने देखा था, ठीक है ना। तो 1 कूलम्ब की जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसको ही पोटेंशियल बोलते हैं। तो डेफिनेशन में अगर आपको बहुत इजी लिखना है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको वी से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। और तो क्या बोले हम, यहाँ पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर उससे कम वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ पर उससे और कम वर्क करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल उससे कम है, यहाँ का पोटेंशियल उससे भी कम है। देखो यहाँ 1 1 1 सेम चार्ज है, ठीक है, क्यू यही है, सिर्फ क्या डिफरेंस क्या है, आर में डिफरेंस है। किस में डिफरेंस है, आर में। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, उस चार्ज से कितना डिस्टेंस है। अगर मैं देखो एक और एक्सपेरिमेंट में आपको बोलू कि यहाँ पर क्यू डैश हो और वही आर लू, वही आर डबल डैश लू और वही आर डैश लू, लेकिन सोचो कि ये क्यू डैश लेस देन क्यू है, क्यू डैश लेस देन क्यू है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा और यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा, ये डिस्टेंस आप सेम ही ले लो, यहाँ पर पोटेंशियल थोड़ा कम होगा और यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कैसी है, कम है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चीज पर डिपेंड करता है। देखो किस पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो पहली चीज जिस पे वो डिपेंड करेगा वो है चार्ज वैल्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज वैल्यू, और दूसरी वो जो डिपेंड करेगा वो है डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। किस पे डिपेंड करेगा,
चार्ज और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो ये दो चीज पे देखो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो चार्ज पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज उस पर डिपेंड करेगा। उसके डेफिनेशन से एक चीज देखो, वर्क हुआ ना, वर्क हमने बोला ना कि जितना वर्क हुआ, तो इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई पी। पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। कौन सा नेगेटिव ऑफ द, क्यों? क्योंकि अपोज में करना पड़ेगा ना, इसीलिए ये हम ऐसा बोल सकते हैं। और हाँ एक बात है कि कितना चार्ज लाना है, 1 कूलम चार्ज लाना है, वो आपको ध्यान में रखना है। कितना चार्ज लाना है आपको, 1 कूलम, ठीक है। तो ये हो गया उसकी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन ये भी है, देखो वर्क डन का फोर्स इंटू डी आर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्यू, क्यू कितना है 1, तो क्यू इंटू ई मतलब फोर्स हो गया, तो फोर्स इंटू ई डी आर। तो इसको ऐसा भी बोलेंगे कि लाइन इंटीग्रल, क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल या तो नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। इतनी सारी डेफिनेशन है और इन सारी डेफिनेशन से हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल कितना है। इंफिनिटी टू पी मतलब कि यहां पर इंफिनिटी और यहां पर पी, ठीक है। अगर यहां पर क्यू होता, सोचो कि यहां पर क्यू होता, तो हम यहां पर क्यू लाते, यहां पर क्या लेते, क्यू लेते, ठीक है। और एक कंसिडरेशन क्या है, दैट पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। इंफिनिटी पर कितना पोटेंशियल रहेगा, जीरो, ऐसा हम कंसीडर करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पर चार्ज ले जाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंफिनिटी पर कोई फोर्स ही नहीं लगता, तो वर्क तो कहाँ का करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आपके ध्यान में होना चाहिए। देखो हमारे पास, मैं कभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस की भी डेफिनेशन दू, क्या डेफिनेशन, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है। Vp इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी टू पी ई बार डॉट डी आर बार। Vq इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू क्यू ई बार डॉट डी आर बार। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, Vp माइनस Vq, तो आपको देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन Q टू P, कहां से लेके Q टू P, ये ध्यान में रखना है, ई बार डॉट डी आर बार। तो इतनी डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन मतलब कि ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द राइट फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। जिसके विथ रिस्पेक्ट टू लेना है वो ये है, ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ पी, पोटेंशियल ऑफ पी With respect to Q, potential of Q with respect to P होता तो यहां पर Q और यहां पर P होता, लेकिन ये क्या है, potential of P with respect to Q, तो Q यहां पर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बार आपको ये definition समझ में आ गई, बाद में electric field जो भी लिया हो उसको आप integral करके easily solve कर सकते हो, क्या potential difference Vp minus Vq। और एक बात ये है कि किसी point का अगर आपको potential find करना है तो भी कर सकते हो, Q को अगर दिया हो तो उसको उधर लेके add कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गई, डेफिनेशन और ये थोड़ा सा फॉर्मूला हो गया। अभी इसको अगर हम डिराइव करें तो हमें फाइनल रिजल्ट ऐसा मिलता है कि अगर कोई चार्ज Q है और उससे कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर यहां पर P पॉइंट अगर मैं ले लूं, यहां पर कोई चार्ज दे रखा है, P पॉइंट है, उसका पोटेंशियल कितना है ये अगर हमें जानना है, तो उसका फॉर्मूला है Vp इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू 9×10⁹, कितना है, के क्यू अपॉन आर, इसको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो यहां पर भी क्या लग जाता, नेगेटिव। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, मतलब कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमने बोला था पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है, वर्क है, तो वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट्स व्हाई पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, कैन बी एडेड
और सब्ट्रैक्टेड, और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई भी पोटेंशियल दिया हो, दो पोटेंशियल दिए हो, एक 4 वोल्ट एक 2 वोल्ट, मतलब कि टोटल पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा, 4 + 2 = 6 वोल्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, पोटेंशियल को हम क्या डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बात मैं अगर आपको बोल दूं, देखो एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि एक 2 कूलम चार्ज दिया है और यहाँ पर भी 2 कूलम चार्ज दिया है और उनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन, वेयर विल बी द नल पॉइंट, वेयर विल बी नल पॉइंट, सॉरी वेयर विल बी द नल पॉइंट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था। वेयर विल बी जीरो पोटेंशियल, वेयर विल बी जीरो पोटेंशियल। तो आप बोलोगे सर ये 2 कूलम है, 2 कूलम है, बीच में 0 पोटेंशियल होगा। नहीं, पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है 2 कूलम है तो इसका पोटेंशियल इस साइड, इसका पोटेंशियल इस साइड, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नहीं, ऐसे डायरेक्शन आपको कंसिडर नहीं करनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका पोटेंशियल कहीं पे भी 0 नहीं होगा। क्यों? ये 2 कूलम है पॉजिटिव पोटेंशियल, ये 2 कूलम है उसका भी पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करके कभी आप 0 नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह का था। इसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, कौन सा मैंने अभी लिखा ना, Vp इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R। R क्या है? तो Q से P पॉइंट का डिस्टेंस है। इसी तरह देखो आप यहाँ पर अगर Vp माइनस VQ करो तो KQ वही रहेगा, क्या होगा, 1/RP माइनस 1/RQ। तो इजीली आप कर सकते हो, ये क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट चार्ज। अभी सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। क्यों, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या कि एक चार्ज है तो ऐसा होगा, अगर 2 या 3 या 4 अगर चार्ज है तो क्या होगा। तो वेरी सिंपल, ओके, Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस है, ठीक है, और आपको पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो अगर मैं सिस्टम ड्रॉ भी ना करूं, अगर आपको ये डिस्टेंस पता हो, ये डिस्टेंस सोचो कि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस सी है, और आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एट पी, देन डायरेक्टली सी डायरेक्टली यू कैन एड के क्यू वन अपॉन ए प्लस के क्यू टू अपॉन बी प्लस के क्यू थ्री अपॉन सी। इन दिस वे डायरेक्टली यू कैन एड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल सॉरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये हमने डिस्कस किया। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बाद में हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, ओके, अब ये दो टॉपिक देखते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और दूसरा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन दोनों पर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इनका बेसिक क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, पहला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल वो हमने पिछले लेक्चर में देखा, डाइपोल किसे बोलते हैं, दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, बीच में डिस्टेंस जो भी हो, सोचो कि डिस्टेंस कितना है डी, जनरली 2a भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे, एक पॉइंट है यहाँ पर, अगर पोटेंशियल अगर हमें फाइंड करना है तो सोचो कि इसका डिस्टेंस क्या है r माइनस और इसका डिस्टेंस क्या है r प्लस, और यहाँ सेंटर से निकलती हुई एक लाइन जो एंगल कितना सब्टेंड करती है थीटा, और यह डिस्टेंस कितना है डी। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो मिलता है उसका फॉर्मूला है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, यह फॉर्मूला है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पर देखो ये हमने डिराइव किया है, अभी डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आर क्या है, आर इज द एवरेज डिस्टेंस, और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि यह डाइपोल बहुत छोटा होना चाहिए, छोटा मतलब इतना छोटा, ठीक है, और डिस्टेंस आप कहाँ कहाँ तक लेंगे यहाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नियरली इतना डिस्टेंस होगा, कितना, आर जितना डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको आप अगर डिराइव करोगे, आपने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, कौन सा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पी बार डॉट आर कैप,
देखो मैंने डॉट लिखा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो कई बार ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्या है पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द डायपोल, ठीक है, केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर ये थीटा है, ठीक है, ये डायपोल की एक्सिस है, ये डायपोल मोमेंट है जिसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट है जो ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया थीटा। अगर आप एक्सिस पे लोगे वी एक्सियल एक्सिस पे लोगे तो थीटा कितना है, क्या देखो थीटा या तो जीरो हो सकता है या तो 180। अगर मैंने यहां पे लिया, यहां पर अगर इस पॉइंट पे लिया, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आप उसको डायरेक्ट डायग्राम में देख के सॉल्व कर सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं मैंने यहाँ पॉइंट लिया है या यहाँ पॉइंट। तो यहाँ अगर पॉइंट लिया है इस एक्सिस पे मैंने यहाँ पर, या देखो दो पॉइंट बन सकते हैं इस साइड या तो इस साइड, अगर इस साइड पॉइंट है तो थीटा इज इक्वल टू जीरो और कोस जीरो वन होगा, तो आंसर क्या आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरी बात है कि अगर यहाँ पॉइंट लिया है तो इसका मतलब हमें यहाँ चलना है, आर ये है और डायपोल मोमेंट ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180। तो यहाँ पर भी एक्सियल कितना आएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर अगर हम इस पॉइंट पे चले, इस पॉइंट पे, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम चले तो आर कैसे आएगा, आर ऐसे, और डायपोल मोमेंट कैसी है ऐसी, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90, कोस 90 कितना होता है जीरो। तो इक्वेटर पे, इक्वेटर पे कहीं पे भी आप देखो तो पोटेंशियल हमेशा कितना रहेगा जीरो, पोटेंशियल कितना रहेगा जीरो वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल की यूनिट क्या है वोल्ट। तो इक्वेटर पे पोटेंशियल जीरो रहेगा और यहाँ पर नॉन जीरो रहेगा और कितना रहेगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब देखो पी क्या है, यहाँ पर अगर आप बोलोगे पी क्या है तो वेरी सिंपल, इट इज अ डायपोल मोमेंट के टू ए क्यू, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है, टू ए क्यू मतलब कि ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस डी दिया है तो आप इसको डी लिख सकते हो, डी इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जितना आर बड़ा उतना पोटेंशियल छोटा, समझ में आ रहा है। अच्छा तो ये हमने डिस्कस किया क्या पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब डिस्कस करते हैं दूसरी बात, कौन सी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड मेनी टाइम क्वेश्चंस आर आस्क ऑन दिस इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट ऑन दीज सरफेस, ठीक है, कोई भी सरफेस पे ले लो, सर ये ऐसी सरफेस है तो पोटेंशियल कैसा रहेगा सेम। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक क्यू चार्ज लू तो उसके अराउंड कोई भी रेडियस ले लो, आर्बिट्रेरी कोई भी रेडियस ले लो आर, और एक स्फीयर कंसिडर करो, क्या कंसिडर करो स्फीयर, तो उस स्फीयर पे देखो मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट लू आर आर आर, पॉइंट तो सेम मतलब कि डिस्टेंस तो सेम ही आएगा क्योंकि ये स्फीयर है, तो सेम डिस्टेंस आएगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस स्फीयर के सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। यहाँ पोटेंशियल अगर सोचो कि 4 वोल्ट है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट, यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट। तो कहने का मतलब क्या है, इसीलिए इसको तो क्या बोला जाता है, इसका नाम ही इंडिकेट करता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दैट पोटेंशियल इज इक्वल एट ईच पॉइंट। नाउ इफ यू कंसिडर सेकंड स्फीयर लाइक दिस, ओके, अगर आप एक दूसरा स्फीयर कंसिडर करो तो वहां पर देखो डिस्टेंस कितना है आर डैश, उतना डिस्टेंस है, कितना कितना डिस्टेंस है आर डैश, तो वो डिस्टेंस पे क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल सोचो कि यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ पर 10 वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा और इस स्फीयर के सारे पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट। कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल देखो अगर आप स्फीयर चेंज करोगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बोल सकते, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा बोल सकते हैं कि सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2 यहाँ पर कितना पोटेंशियल 10 वोल्ट। फॉर एग्जांपल देखो स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्लास में अगर आप जाओ तो वहां पर आपको सारे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड के ही मिलेंगे, सेकंड स्टैंडर्ड में अगर जाओ तो वहां पर आपको सारे बच्चे सेकंड स्टैंडर्ड के ही मिलेंगे,
ऐसे ही देखो यहाँ पर अगर आप जाओ तो यहाँ पर सारे पॉइंट का पोटेंशियल आपको कितना मिलेगा, 10 वोल्ट ही मिलेगा। यहाँ पर आपको सारे पॉइंट का पोटेंशियल कितना मिलेगा, 4 वोल्ट ही मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक बात मैं बोल दूं, देखो यहाँ पर क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस, तो एंगल कितना हो गया, 90। ये बहुत मतलब कि मैंने देखा, मैंने सारे क्वेश्चन पेपर रेफर किए हैं तो उसमें मैंने देखा कि नियरली 4 to 5 टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर मिलेगा आपको 90। कितना एंगल है, 90। एक क्वेश्चन और जिस इस पे बेस्ड है, कौन सा क्वेश्चन देखो, एक बात मैं बोलू कि अगर आप यहां से यहां कोई भी चार्ज लेके जाओ, ठीक है, तो चार्ज लेके जाने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला है क्यू इंटू डेल्टा वी। क्या है, क्यू इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी यहां पर है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पोटेंशियल तो सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन कितना होगा, 0। कहां पर, ऑन मूविंग, ऑन मूविंग एनी चार्ज, ऑन मूविंग एनी चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन कितना होगा, 0। सुना रहा है, ओके। तो ये सारी बातें हो गई किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। हाँ, थोड़ी सी इक्विपोटेंशियल के मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके देता हूँ, वो आप याद रखो, ठीक है। पॉइंट चार्ज का क्या होता है, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज का कैसा होता है, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है। सरफेस चार्ज का कैसा होता है, सरफेस चार्ज मतलब कैसा चार्ज, देखो एक ऐसा मैंने शीट ले ली इस पर चार्ज रखा हुआ है, तो एक ऐसी ही शीट आप कंसीडर करो जो इससे पैरेलल हो, तो यह क्या हो जाएगी, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसी शीट यहां पर भी आप कंसीडर कर सकते हो ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये सरफेस चार्ज के लिए क्या होगा, सेम प्लेन पैरेलल शीट, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। अगर डायपोल है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है, आप देखो ऐसी है, यहां से नेरो और यहां से ब्रॉड, कब, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तब। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो, दोनों अगर कैसा हो, पॉजिटिव, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव दूसरा भी, या तो दोनों नेगेटिव हो तो ऐसी डायग्राम होगी, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। देखो ऐसी डायग्राम दी हो और बोल सकते हैं दैट विच ऑफ दिस चार्जेस आर द लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्ज, देन इफ यू नो दिस डायग्राम देन इजीली यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। एक बात मैं बोलूं, देखो तो ये सारी क्या थी, डायग्राम थी जिससे आप पता लगा सकते हो कि इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी। देखो यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाओ, 1 से 2 की ओर, तो पोटेंशियल कम होगा कि बढ़ेगा, सोचो, पोटेंशियल कम होगा। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और पोटेंशियल इस डायरेक्शन में जाओ तो कम होगा, तो इससे कंक्लूजन मिलता है दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। ये बहुत अच्छी तरीके से सोचो, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैं वन से टू की ओर जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैं जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सोचो कि अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ना हो और माइनस क्यू चार्ज हो, कैसा हो, माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, माइनस क्यू है तो यहाँ पर मैं इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगा, इस तरह हुआ। तो यहां पर क्या होगा, वन से टू की ओर जाओ तो देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, हाँ, कि वन से टू की ओर जाए तो पोटेंशियल में क्या चेंजेस होगा। यहां पर मैं वन से टू की ओर जाऊं, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, मैं पहले बोल दूं कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, मतलब कि टू से वन में जाओ तो डिक्रीज होगा और वन से टू जाओ तो इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब टू का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो V2 greater than V1, लेकिन यहां पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा V2 less than V1। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, सॉरी, पोटेंशियल डिक्रीज होता है कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। देखो मैं एक बात बोलू, कितना डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, ये आपको ये बोलेगा V equals to ED, वेट, V equal, ये कितना डिक्रीज या तो इंक्रीज होगा। V क्या है, चेंज, चेंज इन पोटेंशियल, ओके, यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज या तो कितना डिक्रीज होगा ये वो ये बताएगा। तो इसको डेल्टा वी भी मान सकते हो, आप क्या मान सकते हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल, और ये क्या है, ईडी, ईडी है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी है डिस्टेंस, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ईडी कॉस थीटा, क्या बोल सकते हो, ED cos theta, सुना है ना। तो जितना डिस्टेंस आपने कवर किया वो ये, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये, बाद में आपको डिटेक्ट करना होगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो या उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप उसको प्लस या माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर एक सॉल्व करते हैं, आपको पता चलेगा वो मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा था ना वो कैसे यूज करते हैं। क्या दिया है, देखिए बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल ऑन ए, पोटेंशियल एट सी, एंड पोटेंशियल एट डी, एंड वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस डायरेक्शन, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 वोल्ट पर मीटर, समझ आ रहा है, ओके, ठीक है। अगर हम इस साइड जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहां पर क्या होगा, डिक्रीज, यहां पर क्या होगा, इंक्रीज, अच्छी तरीके से देखना, हाँ, ओके। अगर मैं बी से सी की ओर जाता हूं तो मैं कितना डिस्टेंस चलता हूं, 2 मीटर, V इक्वल टू ईडी है हमारे पास, ईडी, ठीक है, तो ई कितना, यहां पर दिया है 10 मीटर, ठीक है, डी कितना है, डी 2, तो कितना आएगा, 10 to the 20, ये पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज, किस में से डिक्रीज होगा, 2 वोल्ट में से। तो कहने का मतलब क्या है कि VC इज इक्वल्स टू 2 minus 20, VC इज इक्वल टू क्या होगा, 2 minus 20, हर बार आप ED ही यूज करो, ठीक है, वो cos theta अगर आप लगाओगे तो प्लस माइनस का थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हर बार ED यूज करो। मैं आपको ये बोल देता हूँ कि इंक्रीज और डिक्रीज किस साइड होगा, वो अगर आप ऐड करना सीख जाओगे देन इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। 2 minus 20 कितना होगा, -18 वोल्ट, तो सी का पोटेंशियल कितना होगा, -18 वोल्ट। वही अगर हम ए का पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो ए का, देखो बी से हम इस ओर आ रहे हैं, इस ओर आ रहे हैं तो हमें ऐड करना होगा, 2 में ऐड करना होगा, तो पहले मैं 2 प्लस ऐसा लिख देता हूं, कितना ऐड करना होगा, तो ई कितना है, ई 10 है, और डी कितना है, 3,
टेंट्रीजा 30 प्लस 2 कितना होगा 32 वोल्ट। सो नारा तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा इंक्रीज होगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज। यहाँ पर देखो पैरेलल, चलो पैरेलल तो पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल कैसा रहेगा सेम, पैरेलल नहीं सॉरी परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलो तो पोटेंशियल कैसा रहेगा सेम एज दैट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका मतलब ये है कि डी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल दोनों सेम होंगे, कितना होगा वी सी इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू, अभी वी सी हमें कितना मिला है -18 वोल्ट। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो, समझ आ रहा है। ये रिलेशन किसके बीच का है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, एक रिलेशन और भी है उसके ऊपर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इसके बाद पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है बच्चों कि पोटेंशियल दिया है और आपको क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ये कॉम्पिटिटिव जेडब्ल्यू नीट में भी ये बहुत बार ये आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, ये नहीं इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ऐसा दिया है पोटेंशियल और आपको क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसा भी बोल सकते हैं दैट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 111। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो पहले आपको फाइंड करना होगा ई एक्स, क्या फाइंड करना होगा ई एक्स, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, फिर क्या फाइंड करना होगा ई वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ई जेड क्या होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। आप बोलोगे सर ये डेल डेल क्या कर रहे हो, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या है पार्शियल, जब आप एक्स से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो उस टाइम पर आपको वाई और जेड दोनों आपको कांस्टेंट मान के चलना है। कहने का मतलब क्या है देखो, अगर मैं यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है एक्स सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, तो मैं इस पूरे में y और z को कांस्टेंट मान के चलूंगा, और जो भी हमने डिफरेंशिएशन में रूल पढ़े है सेम टू सेम वी हैव टू अप्लाई हियर। सो लेट अस स्टार्ट, हाउ वी विल स्टार्ट हियर, सी हियर माइनस, यहां पर अगर मैं एक्स वाई में y को कांस्टेंट रखूं x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, ठीक है प्लस यहां पर वाई स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना है 0। यहां पर ये x वेरिएबल हमारे पास है तो z क्यूब को हम ऐसे ही लिख देंगे और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, ठीक है इस तरह पर। यहाँ पर देखो विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर y के अलावा जो भी है उसको कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पर हम किसको कांस्टेंट लेंगे x, पहले मैं माइनस लिख देता हूँ और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर है तो उसका 2y एज इट इज। ओके एंड हियर z एंड x बोथ आर कांस्टेंट दैट्स व्हाई 0। फिर यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं तो यहां पर क्या है 0, क्यों क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, क्यों क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएशन ले रहे हैं दैट्स व्हाई हियर आल्सो 0 प्लस 0 प्लस, अभी यहां पर हमें x कांस्टेंट लेना है और z क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3z स्क्वायर, ठीक है इट्स वेरी सिंपल। ओके नाउ लेट्स सॉल्व इट, माइनस यहां पर क्या होगा y प्लस z क्यूब, फिर y इज इक्वल देखो 111 तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 तो हमें 111 रखना है, तो यहां पर 1 और यहां पर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस 2, इन द सेम वे हियर माइनस 1 और यहां पर 2 तो क्या मिलेगा हमें माइनस 3, ठीक है और यहां पर देखो 0 0 0 ये 1 और ये 1 तो हमें क्या मिलेगा माइनस 3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में x, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में y और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में z, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा माइनस 2 i कैप माइनस 3 j कैप एंड माइनस 3 k कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है समझा है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। तो बच्चों आज का ये लास्ट टॉपिक, उसके बाद का जो टॉपिक है जो कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, बाद में चार्ज के ऊपर कोई मतलब कि कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज को स्प्रेड करते हैं
तो क्या इफेक्ट होता है वो हम उसके बाद के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, ताकि हमें बाद में पता चले कि कैपेसिटर की क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसमें हम कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी देखने वाले हैं। अभी यह लास्ट कंसेप्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या है, हमने वो पहले के क्यू ओपन आर देखा था। सोचो कि दो चार्ज है, एक चार्ज है क्यू वन और दूसरा चार्ज है क्यू टू, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। कितनी होगी? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। देखो ये किस पे डिपेंड करेगी? दोनों चार्ज पे। किस पे डिपेंड करेगी? दोनों चार्ज पे। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी? आर पे। तो इस पे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है देखो, फॉर एग्जांपल ये क्यू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर है, एक दूसरा बिल देखो क्यू वन क्यू टू माइनस क्यू वन ए आर, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर ऐसा होगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर और यहाँ पर माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो यहाँ पर ये हमें रिपल्शन शो करेगी, जब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी तब हमें रिपल्शन शो करेगी, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी तब हमें वो अट्रैक्शन शो करेगी। एक्चुअली में अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, वो जो MGH है, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अदरवाइज एग्जैक्टली में वो नेगेटिव है, ठीक है, वो माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर इन द सेम सेंस हियर। ओके, तो अगर नेगेटिव में शो करेगी तो वो अट्रैक्शन, और पॉजिटिव में है तो वो रिपल्शन। एक बात मैं और बोलूं, देखो अगर इनको हम पास में लाए, लाइक चार्ज है पास में लाए आर डैश, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर डैश। यहां पर इसको भी अगर सोचो कि हम पास में लाए, तो यहां पर भी के क्यू वन माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर डैश ऐसा होगा। तो फिर चेंजेस क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी में? यहां पर अगर हम पास में लाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी। पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर कम हुआ तो एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज हुई। लेकिन यहां पर क्या हुआ? देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव में डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ, तो नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हुई तो एग्जैक्टली में क्या हुआ? कम हुआ। क्या हुआ? कम। तो यहां पर क्या है कि अगर दो लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज ओके मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव towards each other, like charge अगर एक दूसरे की ओर जाएंगे, like charge move towards each other, क्या होगा? potential energy increase होगी। potential energy क्या होगी? increase। और दूसरी बात, अगर potential energy increase हो रही है तो kinetic energy क्या होगी? decrease। इसको अच्छी तरीके से याद करना बच्चों, इस पे question आएगा ही आएगा मुझे ऐसा लग रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। कब? जब लाइक चार्जेस क्या होंगे? मूव टुवर्ड्स ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते, रिपेल कर रहे, फिर भी हम पास में ला रहे, तो इसका मतलब ये है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन वही अगर हम देखें कि देखो इससे आप वाइस वर्सा करके इजीली आप बाकी का फाइंड कर सकते हो, फिर भी मैं आपको अनलाइक का एक बोल देता हूँ। अनलाइक चार्ज मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो अनलाइक चार्ज में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी जैसा कि हमने यहां पर देखा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो अनलाइक चार्ज में देखो, हाँ एक बात देखो, आप ऐसे याद रखना चाहते हो तो सोचो कि दो चार्ज है, दोनों एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते, फिर भी आप पास ला रहे हो, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगी और काइनेटिक डिक्रीज होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम होगी। और वो दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं और आप पास ला रहे हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि उसको तो पास ही आना है, तो काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो नारायण, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन की बात करूं, व्हेन टू इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स ईच अदर, देयर पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट दैट टाइम देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। ओके, हैव यू गॉट इट? ओके, तो इस तरह आपको ये सारा रिलेशन अच्छी तरीके से याद करना है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोर देन टू चार्जेस। ये कहाँ कितने चार्ज थे? सिर्फ दो ही चार्ज थे। अगर दो से ज्यादा चार्ज है तो क्या करें? देखो इट्स वेरी सिंपल, चार है, एक Q1, Q2, Q3, Q4,
तो एक पेड़, दो पेड़, तीन, चार, पांच, छह, कितनी पेड़ बनी? छह। सोचो कि ये डिस्टेंस है ये, तो ये भी ए ए ए, और ये डिस्टेंस होगा रूट टू ए, और ये डिस्टेंस क्या होगा? रूट टू ए। स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी तरीके से याद रखना है, बहुत बार आया है। क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, तो कितनी पेयर बनी? सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब स्टेप क्या रखो? मेक पॉसिबल पेयर, मेक ऑल पॉसिबल पेयर। दूसरा, कैलक्यूलेट देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड, एड देम। कितनी पेयर होगी? देखो, जितने चार्ज, अगर एन चार्ज है, कितने चार्ज है? एन, एन चार्ज आर देयर, देन एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, इतनी पेयर होगी। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन भी एक बार आया है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, इतनी पेयर होगी। देखो, वन टू थ्री फोर, फोर चार्जेस है, तो फोर इंटू फोर माइनस वन बाई टू, तो कितना होगा? देखो, फोर इंटू थ्री बाई टू, थ्री टू जा सिक्स पेयर, एक दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है। और सॉल्व कैसे करना है इंडिविजुअल, तो मैं एक का देखा देता हूँ, क्यू वन क्यू टू, और उसके बीच, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? ए, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए। ऐसी देखो, चार पेयर है सेम टू सेम, तो डायरेक्टली देखो, बिना टाइम वेस्ट किए आप फोर से मल्टीप्लाई कर दो। फिर एक ये पेयर है, अच्छा नो, दोनों चारों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्यू वन क्यू टू है, यहाँ पर क्यू टू क्यू थ्री है, यहाँ पर क्यू थ्री क्यू फोर है, और क्यू वन क्यू फोर है, तो चारों की इंडिविजुअल आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और बाद में एड। देखो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन ए, इस तरह चारों की एड करनी है। फिर इन दोनों की, के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन रूट टू है, और इसकी सबकी एड करके बाद में वो जो आंसर आएगा वो क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बेस पे भी आप, मैं आपको एग्जांपल वर्कशीट में दूंगा, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कंसेप्ट, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का जो इस चैप्टर के कंसेप्ट है वो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।